हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स हमने रेन एंड मार्टिन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर टेन स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो करते हैं शुरू स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर एट्टी से रीड द सेंटेंस पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे राम्स मैंगोज ठीक है हरीज मैंगो इज़ स्वीटर देन रामाज गोविंदाज गोविंद मैंगोज इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड्स हमें इसमें जो है एक फ़र्क देखने को मिलता है क्या कि ये है इसमें जो है एक ही के बारे में बता रखा है इसमें दो के बारे में कंपेरिजन हो रखा है इसमें तीन चार के बारे में गोविंदा का मैंगो गोविंद का मैंगो ओल के मैंगो से स्वीट है इसमें क्या है कि राम का मैंगो आ, हरी के मैंगो से हरी का मैंगो राम के मैंगो से स्वीट्स है तो इसमें सिर्फ एक का है ठीक है आगे हम पढ़ते हैं पहले द सेंटेंस एडजेक्टिव स्वीट मियरली टेल्स अस द रामास मैंगो हैज द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस विदाउट सेंग हाउ मच ऑफ दिस क्वालिटी इट हैज़ तो सेंटेंस नंबर वन में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है स्वीट की स्वीट जो है बता रहा है ठीक है कि मैंगो कि कितना स्वीट है तो इसमें ये कोई कंपेरिज़न नहीं है कि वो कितना है और किसके से है ठीक है तो इसमें कोई कंपेरिज़न नहीं होता कम तो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर टू सेंटेंस नंबर टू द इज स्वीटर टेल्स अस दैट हरी मैंगो कंपेयर्ड विद रामज मैंगो हैज़ मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस तो इसमें हमें पता चल रहा है सेंटेंस नंबर टू में कि हरी का मैंगो राम के मैंगो से स्वीट है ठीक है क्वालिटी में स्वीट है तो इससे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हुआ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर थ्री गोविंदा गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल स्वीटेस्ट ऑफ ऑल तो इसमें हमें पता चला फ्रेंड्स कि गोविंद का मैंगो जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ग्रेट अमाउंट में या हाईएस्ट डिग्री में मतलब जितने भी थे मैंगोज उन सब में सबसे ज़्यादा क्वालिटी में उसके अंदर स्वीटनेस है स्वीटेस्ट ऑफ ऑल तो सभी के बहुत सारों के कंपैरिजन में या तीन या दो से अधिक बोल सकते हैं यहाँ पे ओल दे रखा है दो से अधिक होगा तब भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री ही यूज़ होगा तो दो से ज़्यादा के बीच जब कंपैरिजन होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं आके देखते हैं फ्रेंड्स वी दस यू सी दैट एडजेक्टिवस change in form sweet sweeter sweetest so सो so, comparison they are called degrees of comparison तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि sweet sweeter sweetest जो है change हुए हैं comparison के according इसमें क्या था comparison नहीं था इसमें comparison था किसके बीच में दो लोगों के बीच में था इसमें क्या था comparison था किस किसके बीच था ज़्यादा लोगों के बीच था तो इस तरह से ये स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट जो हमारी डिग्रीज़ बड़ी है तो इसी को हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं कम ऑम नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट नंबर देखते हैं द एडजेक्टिव स्वीट इज बी इन द पॉजिटिव डिग्री तो एडजेक्टिव स्वीट क्या है स्वीट so, क्या है पॉजिटिव डिग्री में है जो स्टार्टिंग में हमारा स्वीट था वो हम लोग उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं एडजेक्टिव स्वीटर इज सेट टू बी कम्पेरेटिव डिग्री ठीक है स्वीटर जो है कंपेरेटिव डिग्री में होगा एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेट टू बी सुपरलेटिव डिग्री हम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर तो नहीं है इसमें पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फोन ठीक है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इज इन इट्स सिंपल फॉर्म पॉजिटिव जो होती है ये सिंपल फॉर्म में होती है इट इज़ यूज टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ वॉट वी स्पीक अबाउट ठीक है तो ये क्या है किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताती है कि हाँ ये है ऐसी है जैसी है ऐसी की ऐसी है तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं इट इज़ यूज वैन नो कम्पेरिजन इज़ मेड ये जब यूज़ होते हैं जहाँ कोई कंपेरिज़न नहीं होता है वो अपने आप में ही बहुत अच्छी होती है ठीक है तो उसको कंपेरिजन नहीं किया जा सकता कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट द कम्पेरटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं हम कम्पेरटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स ए हायर डिग्री ऑफ ए क्वालिटी दैन द पॉजिटिव डिग्री तो कंपेयरटि डिग्री क्या है कि पॉजिटिव डिग्री से एक हायर डिग्री होती है एंड इज यूज कब यूज होती है वैन टू और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड जब दो सेट के बीच में कंपेयर होता है पेयर ऑफ शूज़ वगैरह या फिर पेयर ऑफ शूज भी बोल सकते हैं हम हाँ मीन्स दो लोगों के बीच में ठीक है टू पेंट्स के बीच में टू ऑरेंजेस के बीच में देखते हैं क्वेश्चंस दिस इज इस्ट्रॉन्गर दैन दैट ठीक है ये उससे स्ट्रोंग है दिस बॉय विच ऑफ दिज टू पेन इज़ द बेटर इनमें से कौन सा पैंट बेटर है एप्पल्स आर डियर देन औरजेज एप्पल मुझे ऑरेंज से ज़्यादा पसंद है दो फ्रूट्स के बीच में यहाँ कंपेरिजन हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एंड एडजटिव डी द हाइस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज यूज मोर दैन टू थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स आर कम्पेयर्ड जहाँ दो से अधिक सेट के बीच में या दो से अधिक थिंग्स के बीच में कम्पेरिजन होगा वहाँ हमारा क्या होगा सुपरलेटिव डिग्री होगा ठीक है कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट नोट देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल है सुपरलेटिव डिग्री का दिस बॉय इज़ द स्ट्रोंगेस्ट इन द क्लास तो पूरी क्लास में जो है डेफिनेटली दो से ज़्यादा ही बच्चे होंगे तो पूरी क्लास का जो कंपेरिजन किया गया है उसमें हमने स्ट्रोंगेस्ट का यूज़ सुपर किया सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट देयर इज़ अनदर वे इन विच वी कैन कंपेयर थिंग्स इंस्टिड ऑफ सेंग रामा इज़ स्ट्रोंगर दैन बलू वी कैन से बलू इज लेस स्ट्रोंगर इन दैन स्ट्र्ट्रोंग दैन रामा तो एक अलग भी तरीका है इन चीज़ों को बोलने का कंपेरिजन करने का जैसे हमने ये बोला है राम इज रामा इज स्ट्रोंगर दैन बल्लू उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बल्लू इज लेस स्ट्रोंगर दैन रामा ठीक है तो दोनों जो वर्ड है जो दोनों जो सेंटेंस है इक्वल है इंस्टीड ऑफ सेग अगर हम कहें हरी इज़ द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास तो हम ये भी कह सकते हैं कि हरी इज़ द लेस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास तो दोनों ही जो सेंटेंस है ये लास्ट के इक्वल है दूसरा देखते हैं द सुपरलेटिव विद मोस्ट इज़ समाइम्स यूज वेयर देयर इज़ नो आइडिया ऑफ कंपेरिजन बट मेयरली ए डिज़ायर टू इंडिकेट द पोजेसन ऑफ़ ए क्वालिटी इन ए वेरी हाई डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री है ज़्यादातर मोस्टली समटाइम्स यूज कभी कभी ऐसे भी यूज होती है जहाँ कोई आइडिया नहीं होता कंपेरिजन का मेयरली ए डिज़ायर जबकि एक डिज़ायर होती है टू पोजेसन ए क्वालिटी क्वालिटी के बारे में बताने के लिए लाइक दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट ठीक है दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट तो ये क्वालिटी है तो इसमें कोई कंपेरिजन या सबसे ज़्यादा हम लोग नहीं दिखा रहे हैं लेकिन हाँ फिर भी सबसे ज़्यादा है ठीक है इट वॉज़ ए मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच ठीक है तो हमने अपने आप ही इसको सबसे ज़्यादा इलोक्ट स्पीच बता दिया ट्रूली ए मोस्ट इंजेनियस डिवाइस ये सच में एक बहुत ही इंजेनियस डिवाइस है कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट दिस यूज हैज़ बीन कॉल्ड द सुपरलेटिव ऑफ़ इमीनेंस और एब्सोल्यूट सुपोलेटिव इन यूज़ को हम लोग इमिनेंस यूज ऑफ सुपोलेटिव इमिनेंस या एप्सोलूट सुपोलेटिव भी हम लोग बोल सकते हैं हम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपोलेटिव डिग्री अब हम देखेंगे फॉर्मेशन की कैसे फॉर्मेशन होता है कंपेरिजन सुपोलेटिव डिग्री और कंपेरेटिव uh, डिग्री का मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सेलेबल्स जो वन सेलेबल्स के एडजेक्टिव होते हैं और मोर देन वन ठीक है और जो एक से ज़्यादा के होते हैं फॉर्म द कम्पेटिव बाई एडिंग तो उस उन लोग उस उसमें हम लोग उस पॉजिटिव से वर्ड में हम लोग ई आर लगा करके या फिर सुपरलेटिव लगा कर अगर हमें बनाना हो तो ई एस टी लगा करके ऐड करके हम लोग बनाते हैं कंपेटिव हमें ई आर ई आर लगाना पड़ता है कम द नेक्स्ट पॉइंट एट्टी वन uh, का ही हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री यस फ्रेंड्स स्वीट का हमारा स्वीटर ये सारे वंस अलेवल के वर्ड है ठीक है स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट नेक्स्ट टॉल टॉलर टॉलेस्ट टॉल्ट बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट क्लेवर क्लेवर क्लेवेस्ट काइंड काइंडर काइंडेस्ट यंगर यंगट ग्रेटर ग्रेटेस्ट अगर देखते हैं वैन पॉजिटिव एंड्स इन ई जब ई e से एंड होते हैं पॉजिटिव डिग्री के कोई वर्ड आर से ई एस टी से तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं लेट्स सी फ्रेंड्स ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट फाइन फाइनअर फाइनेस्ट वाइट वाइटर वाइटेस्ट लार्ज लार्जर लार्जेस्ट एबल एबल एबलर एबलेस्ट नोबल नोबलर नोबलेस्ट वाइज वाइजर वाइजेस्ट नेक्स्ट देखते हैं वैन पॉजिटिव डिग्री वैन पॉजिटिव एंड्स इन वाई जब पॉजिटिव वर्ड्स हमारे वाई से एंड होते हैं और प्रीसीडिड बाई ए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के द्वारा उनको प्रिसीड किया जाता है ठीक है द वाई इज चेंज इन टू वाई को हम लोग आई में चेंज कर देते हैं और लास्ट में लगा लेते हैं ई e आर और ई एस टी अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिव और सुपरलेटिव हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट ठीक है ये प्रोसीड किया गया है कॉन्सोनेंट के द्वारा तो हम लोग इससे पहले आई लगा लेंगे हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट ईजी इजियर इजियस्ट हैवी हैवियर हैवीएस्ट मैरी मैरियर मैरीयस्ट वेल्दी वेल्दियर वेल्दियस्ट कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट वैन द पॉजिटिव इज ए वर्ड ऑफ वन सेलेबल जब पॉजिटिव जो है वन सेलेबल का वर्ड होता है और एंड सीन सिंगल कॉन्सोनेंट के द्वारा वो एंड होता है और प्रिसडिड बाई ए शॉर्ट वोवल किसी शॉर्ट होविल के द्वारा जो है ये प्रिस किया जाता है मीन्स उससे पहले कोई शॉर्ट वोविल आता है दैन कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी तो हमारा कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है उसको यार से पहले ठीक है जैसे रेड रेड हमारा डी तो हमारा प्रोसीड किया गया ई के द्वारा वॉविल है तो रिडरर रिडर बिग बिगर बिगेस्ट हॉट होटर होटेस्ट थिन थिनर थिनेस्ट सेड सैडर सेडेस्ट सैड़, फैट फैटर फेड कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर एटी टू एडजटिव सॉफ्स मोर देन टू सेलेबल्स जब हम हमारे पास टू सेलेबल्स मोर देन टू सेलेबल्स के कम्पे हमारे पास वो होते हैं एडजेक्टिवस होते हैं कंपे कंपेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाते हैं हम लोग मोर मोर और मोस्ट लगाकर हम लोग बनाते हैं ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल डिफिकल्ट मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट इंडस्ट्रियस मोर इंडस्ट्रियस मोस्ट इंडस्ट्रियस करेजियस मोर करेजियस मोस्क्रेडियस तो हमारे मोर दैन टू सेलेबल्स के जो वर्ड होंगे उसमें हम लोग इस तरह से हम लोग इसकी फॉर्मेशन करेंगे कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट टू सेलेबल्स एडजेक्टिवस एंडिंग इन फुल एग्जाम्पल जो हमारे टू सेलेबल्स से एडजेक्टिव <coughs> होते हैं और एंडिंग होते हैं फुल से ठीक है फुल जैसे यूजफुल लेस लेस लगा हो किसी में ठीक है होप लेस इंग लगा हो बोरिंग एंड लगा हो जैसे सरप्राइज मैनी अदर लगा हो और जो कुछ मैनी अदर हो मतलब मॉडरेट रिसेंट फुलिश फेमस सर्टेन टेक मोर एंड मोस्ट तो ये क्या लगाते हैं क्या लेते हैं ये मोर और मोस्ट लेते हैं ये भी लाइक like, पोलाइट तो इसको टेक मोर एंड मोस्ट ठीक है पोलाइट तो इसको मोर पोलाइट हाँ इसमें इसको हम हाँ ये ये भी लगा सकते हैं मोर और मोस्ट से भी लगा सकते हैं और ये हम लोग ई आर e और ई एस टी के द्वारा भी ठीक है टेक आयदर ई e एस टी और ई आर e इस तरह से भी दोनों तरीके से ये बन सकते हैं जैसे पोलाइट का अगर एग्जाम्पल देखें पोलाइट इसमें पोलाइटर भी और मोर पोलाइट भी हम लोग लगा सकते हैं दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री पोलाइट का तो दा पोला द पोलाइटेस्ट और मोस्ट पोलाइट भी हम लगा सकते हैं कम नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर एट्टी थ्री द कम्पेरेटिव इज़ ई आर इज़ नॉट यूज वैन वी कंपेयर टू क्वालिटीज़ कंपेरेटिव ई आर जो है तब यूज़ नहीं होता जब हम दो क्वालिटीज़ के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो जब वे क्वालिटीज़ हमारी Uh, जब दो वे दो वर्ड दो कंपेरिजन दो क्वालिटीज हमारी सेम पर्सन और थिंग से रिलेटेड हो इफ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ रामा इज ग्रेटर दैन द करेज ऑफ बल्लू वी से राम इज ब्रेवर दैन बल्लू तो हम क्या बोलेंगे राम इज ब्रेवर दैन बल्लू लेकिन जब हम बोलेंगे फ्रेंड्स जब हम बोलेंगे कि जब हम एक ही बंदे की यानी कि राम की दो क्वालिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दो क्वालिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेम थिंग और क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसमें ब्रेवर ना लगा करके इसके आगे मोर लगाएंगे लाइक like, रामा इज़ मोर ब्रेव दैन प्रूडेंट ठीक है तो एक ही बंदे की दो क्वालिटी हो गई तो इस तरह से हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर एट्टी फोर पॉइंट नंबर एट्टी फोर में जब हम दो ऑब्जेक्ट्स का एक ही ऑब्जेक्ट का फ्रेंड्स कंपैरिजन करते हैं जैसे आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल आयरन दूसरे अदर मेटल से मोर यूजफुल है और अगर हम कहेंगे आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी मेटल तो ऐसा कहना जो है सही नहीं रहेगा बिकॉज फ्रेंड्स क्योंकि आयरन तो अपने आप में ही मेटल है तो हम आयरन की आयरन से ही कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसमें इस पॉइंट में, इस में ये समझाने की कोशिश की गई है कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर एट्टी फोर एट्टी फाइव द फॉलोइंग एबजेक्टिव आर इरेगुलर इरेगुलर है ही जो अब तक रेगुलरिटी बनी गई है ई आर ई एस टी वाली तो इससे थोड़े अलग है ये तो देखते हैं इनको पॉजिटिव कम्पेरेटिव और सुपरेटिव गुड वेल गुड और वेल दोनों का ही हम लोग बनाते हैं बेटर और बेस्ट बैड इल बैड इविल और इल हम तीनों का ही बना सकते हैं वर्स और वर्स्ट नेक्स्ट देखते हैं लिटिल लेस लेसर और लिस्ट तरह से हम बना सकते हैं मच का मोर और मोस्ट क्वांटिटी के लिए अगर हम बात करें तो और मैनी के लिए मोर और मोस्ट अगर नंबर की हम बात करें तो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर लेट लेट में लेटर लेटर और लिस्ट लास्ट और लेस्ट लेटेस्ट सॉरी ओल्ड ओल्डर एल्डर ठीक है ओल्ड एक ओल्ड हमारा ओल्ड के लिए और एल्डर हमारा आ, जो भाई बहनों में होता है अब नेक्स्ट फार फर्दर फॉर दैस्ट नाइन नाइएस्ट फॉर फोर फॉरमर फॉर मोस्ट फोर फर्दर फॉर इन इनर इनेस्ट ठीक है अप अपर अपमोस्ट या अपर मोस्ट आउट आउटर आउट मोस्ट या आउटर मोस्ट हमारा होगा ठीक है कम ऑन दैक्स्ट पॉइंट तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स लेटर लेटर लेटेस्ट लास्ट तो हमारे ये कुछ कम कन्फ्यूज़न वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जो डबल फॉर्म्स में यूज़ होते हैं ठीक है आ, तो एल ए टी ई आर और एल ए टी ई एसट हमारा जो है टाइम को रेफर करते हैं दूसरा है एल ए डबल टी ई आर लेटर और लास्ट ये हमारा पोजिशन को बताते हैं एग्जाम्पल देखते हैं ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड ठीक है नेक्स्ट है आई हैव नोट द लेटेस्ट न्यूज़ तो लेटेस्ट uh, ये हमारा टाइम्स को बता रहा है नेक्स्ट है लेटर एल ए डबल टी ई आर लेटर दूसरे पोजीशन को बता रहा है चैप्टर के पोजीशन को बता रहा है दूसरा है द लास्ट चैप्टर तो लास्ट चैप्टर हमारा इसमें भी हमारा पोजीशन को बता रहा है कम द नेक्स्ट एल्डर ओल्डर एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट ठीक है तो एल्डर में एक हमारा ओल्डर हो जाएगा एल्डर uh, ओल्डर <coughs> हमारा किसको हो जाएगा जो हमारा जो है सिबलिंग्स वाले नहीं हैं खून का रिश्ता जिससे नहीं है उसमें हम ओल्डर भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है और एल्डर हमारा खून के रिश्ते वाला हो जाता है इसमें देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें यही बता रखा है फ्रेंड्स ठीक है जॉन इज़ माई एल्डर ब्रोदर तो कौन सा ब्रोदर खून के रिश्ते वाला ब्रोदर टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन ठीक है तो खून के रिश्ते में हम लोग एल्डर ओल्ड एल्डेस्ट ई वाला यूज़ करेंगे और नेक्स्ट ओल्डर हमारा हम लोग ही इज़ ओल्डर दैन हिज़ सिस्टर ठीक है तो यहाँ पर बता रखा है एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको एल्डर एल्डेस्ट आर यूज ओनली पर्सन नोट ऑफ एनिमल और थिंग ठीक है रेन एंड मार्टिन में भी थोड़े अलग ही अपने थोड़े कंसेप्ट बताते हैं तो इसको पढ़ना भी जरूरी है एल्डर और एल्डेस्ट जो है पर्सन और ओनली पर्सन के लिए यूज़ होता है इनके अकॉर्डिंग रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग नोट ऑफ एनिमल और थिंग थिंग और एनिमल के लिए नहीं एंड आर नाओ कन्फाइन टू मेम्बर्ड सॉरी मेबर्स द सेम फैमिली ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेम फैमिली के मेम्बर्स के लिए भी जैसे कि मैंने खून का रिश्ता एल्डर इज़ नॉट यूज विथ तेन तो एल्डर हम लोग उसके लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट आर यूज ऑफ बोथ परसन तो रिन एन मार्टिन के अकॉर्डिंग ओल्डर और ओल्डेस्ट हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन ओल्डर और एल्डेस्ट हम लोग सिर्फ सिबलिंगस के लिए या खून के रिश्ते के लिए एक फैमिली मेम्बर के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग भी आप हम दो हमने पढ़ लिए थे राम इज ओल्डर देन ही सिस्टर तो डेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए, ओल्डर हमारा दोनों चीज़ों में यूज दोनों रूप में यूज हो सकता है रामा इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द इलेवन ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं देखते हैं हम फॉर फ्रेंड्स फार फारदर और फर्दर का एक तो बोथ आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस डिस्टेंस के लिए दोनों यूज़ होते हैं फर्दर फर्दर नोट फारदर ठीक है इज़ यूज टू मीन एडिशनल तो फर्दर का हमारा मीनिंग होता है एडिशनल ठीक है नोट फारदर एफ ए आर वाला नहीं ठीक है जैसे तो एग्जाम्पल देखते हैं कोलकाता इज़ फर्दर या फिर फर्दर दोनों ही हम लीना एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग कुछ बुक जो है बताती है कि सिर्फ़ फर्दर फर्दर को हम लोग सिर्फ़ जो है डिस्टेंस के लिए फर्दर हमारा डिस्टेंस के लिए होता है और बाकी के लिए फर्दर लेकिन इसमें हमने हम लोगों ने बता रखा है कि फर्दर फर्दर हमारा दोनों में एडिशनल के लिए भी यूज़ होता है ठीक है बोथ आर एक्सप्रेस डिस्टेंस इसमें दोनों एक्सप्रेस डिस्टेंस के लिए बता रखे हैं ठीक है तो कोलकाता इज़ फर्दर या फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर्स दैट कोलम्बियो ठीक है आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स तो नेक्स्ट देखते हैं आई मस्ट हैव ए रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले तो तो फार वाला हमारा जो है डिस्टेंस के लिए आएगा कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर तो वही है ये ठीक है नियर नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस होता है नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नियरेस्ट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है नेक्स्ट रेफर्स टू वन ऑफ सीक्वेंस ऑफ थिंग ठीक है कमिंग वन आफ्टर वन तो जो ऑर्डर में हमारा आता है उसको हम लोग हम उसके लिए नेक्स्ट बोलेंगे और जो डिस्टेंस के लिए हमारा आता है उसको हम नियरेस्ट बोलते हैं जैसे मुंबई इज़ द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप ठीक है तो हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए इसको बोला है वेयर इज़ द नियरेस्ट फोन बॉक्स नेक्स्ट है करीम्स शॉप इज़ नेक्स्ट टू पोस्ट ऑफिस ठीक है तो नेक्स्ट बोला है इस सिक्वेंस में इसके घर के बराबर में शॉप के बराबर में है ना पोस्ट ऑफिस के बराबर में नेक्स्ट है माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस ठीक है हाउस भी क्योंकि सिक्वेंस में होते हैं कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर एटी सेवन सटेन इंग्लिश कंपेरेटिव हैव लोस्ट देयर कंपेरेटिव मीनिंग एंड यूज एज पॉजिटिव तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो जिन्होंने अपना कंपेरेटिव मीनिंग खो दिया है दे कैन नॉट बी फोलोड बाई दैन टो दैन को तो कुछ इंग्लिश के वर्ड या जो बाहर से आए हुए वर्ड है वो कह ले तो उसमें दैन का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं तो देखते हैं कौन कौन से हैं फॉर्मर लेटर एल्डर अपर इनर आउटर अटर ठीक है बोथ द टाइगर एग्जाम्पल देखते हैं बोथ द टाइगर एंड द लेपार्ट आर कैट्स ठीक है द फॉर्मर एनिमल इज़ मच लार्जर दैन द लेटर तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पॉजिटिव डिग्री के तरीके से यूज होते हैं फॉर्मल फॉरन लैंग्वेज के वर्ड्स हम आगे देखेंगे ये हमारे कुछ इंग्लिश के तो कंपेरिटिव वर्ड्स हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बोथ द टाइगर एंड द लियोपर्ड्स आर कैट्स द फॉर्मर एनिमल तो आगे हम देखते हैं द फॉर्मर एनिमल इज़ मच लार्जर देन द लेटर ठीक है द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर नेक्स्ट देखते हैं दोल्डर द आउटर वॉर कम ऑन द नेक्स्ट माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर तो अगर हम इसको आम भाषा में बोले तो इसको हम सिर्फ पॉजिटिव भाषा में यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स को कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट एट्टी एट सर्टेन टेन बोरोड फ्रॉम लेटिन ये आए हैं जब लेटिन से हमारे आए हैं वो सुपर पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री दे एंड इन ओ आर ओ आर से जो लोग जो वर्ड्स हमारे ख़त्म होते हैं ये ट्वेल्व है हमारे नंबर में और फाइव ऑफ देम हैज लॉस्ट देयर कुछ ऐसे भी है जो पांच वर्ड्स ऐसे हैं इन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है आर यूज इन पॉजिटिव एडजेक्टिव ये हमारे पॉजिटिव एजेक्टिव के रूप में ही यूज़ होते हैं लाइक इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टीरियर मेजर माइनर ठीक है ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही यूज़ होते हैं लाइक द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज़ मेड ऑफ़ स्टोन द इंटीरियर वॉल ऑफ द हाउस आर मेड ऑफ़ वुड तो ये वर्ड ऐसे हैं जो फ्रेंड्स दैन को यूज़ नहीं करते कंपैरेटिव डिग्री में ऐसे ही ये यूज़ होते हैं हिज एज इज़ ए मैटर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस नेक्स्ट है आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हैल्प नेक्स्ट है द अदर सेवन आर तो कुछ अदर सेवन वर्ड है जो इससे रिलेटेड वो जो है टू uh, को यूज़ करते हैं अपने साथ फॉलोड करते हैं ना कि देन को नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट पॉइंट नंबर एट्टी नाइन द कंपेटिव डिग्री इज जनरली फाउंडेड बाई सॉरी फॉलोर्ड बाई दैन पहले दैन के द्वारा फॉलोर्ड होती है कंपेटिव डिग्री दैन एडजिव एंडस जो लेकिन जो एडजेक्टि ओ आर से एंड होते हैं वे आ, जो है प्रिपोजिशन टू से फॉलो करते हैं लाइक इंफीरियर सुपीरियर प्रीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर सीनियर जूनियर तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देख लेंगे ये वे एडजेक्टिव सेफ्ट एंड जो हमारे टू के द्वारा फॉलो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोस्टली एग्जाम्प में आते रहते हैं यस yes, देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स हरी इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंसी रामाज इंटेलिजेंसी इज सुपीरियर टू ठीक है हम देखते हैं टू का यूज नेक्स्ट है हिज मैरिज वाज टू हिज फादर्स डेथ नेक्स्ट है ही इज जूनियर टू ऑल द कलीग्स नेक्स्ट है ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर एडजटिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज़ जो एडजेक्टिव हमारी क्वालिटीज़ एक्सप्रेस uh, करते हैं देट डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्री कैन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टू बी कंपेयर्ड ठीक है जो हमारी क्वालिटी हमारे एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे जो है तो ये वे वर्ड्स है फ्रेंड्स हमारा स्क्वायर राउंड परफेक्ट इंटरनल यूनिवर्सल यूनिक ये हमारे वो वर्ड्स हैं जिनका हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं ये अपने आप में ही जो है परफेक्ट है ठीक है कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमें बताया हुआ है इस सेंटेंस में कि कुछ डिग्री कुछ कंपेरिजन हमारे ऐसे भी होते हैं ठीक है हम इन एग्ज़ाम्पल्स के जो हम लोग देखेंगे कि इट इज़ पॉसिबल कि ये पॉसिबल है कि हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि हम बिना सेंटेंस के मीनिंग के चेंज किए भी हम डिग्री के कंपैरिजन में कंपैरिजन की हमारी जो डिग्रीज हैं हम उनमें चेंज कर सकते हैं जैसे हम देखते हैं सेंटेंस नंबर वन लीड इज़ द लीड इज़ द हाइस्ट ऑफ ऑल मैटल्स लैड इज द हाइस्ट ऑफ ऑल मैटल हाँ सॉरी फ्रेंड्स इट इज़ लेड सॉ लैड इज़ द हाइस्ट ऑफ ऑल मैटल्स तो हम कंपेरटिव टी वी में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेड इज़ द हाइर दैन ऑल अदर मेटल्स नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर महाबलीपुरम सॉरी महाबलेश्वर इज़ कूलर दैन पंच पंचगनी ठीक है पॉजिटिव डिग्री में हम पंचगनी इज नोट सो so कूल cool एज महावलेश्वर नेक्स्ट है ही इज़ ए एज़ वाइज एज सॉरी ही इज एज वाइज एज सोलोमो इसको हम कंपेरेटिव डिग्री में ऐसे बोल सकते हैं सोलोमो वाज नोट वाइजर देन ही इज़ ठीक है नेक्स्ट है शकुंतलम इज़ द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत इसको हम कंपेरेटिव डिग्री में ऐसे बोल सकते हैं शकुंतलम इज़ बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव डिग्री में नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज़ ठीक है इज़ बेटर देन सॉरी आ रहे थे हम नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज़ एज गुड एज शकुंतलम नेक्स्ट है चेन्नई is a uh, one of the greatest sorry biggest of indian cities isko hum aise bhi bol sakte hain chennai is bigger than most other indian cities next hai positive degree mein very few indian cities are as big as chennai isko hum दूसरा देखते हैं positive degree का. some poets are at least as great as tenison कंपेटिव डिग्री में देखते हैं टेनिसन इज़ नॉट ग्रेटर दैन समर पॉइंट्स ठीक है ऐसे भी बोल सकते हैं सम अदर पॉइंट्स आर नॉट लेस ग्रेटर दैन टेनिसन सुपरलेटि डिग्री में बोलते हैं टेनिसन इज नॉट द ग्रेट ऑफ ऑल पॉइंट्स तो इसके भी फ्रेंड्स कुछ रूल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर uh, करेंगे तो आई थिंक ये चैप्टर यहाँ हमारा डिग्री और कंपेरिजन का यहीं ख़त्म होता है उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एवरी वन हैव ए नाइस डे